अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इस चैनल पे हम इंशाअल्लाह ताला कुछ अल्लाह के बंदों की, अल्लाह के महबूब बंदों की और अल्लाह के प्यारे बंदों की बातें आपके गोशे गुजार करेंगे। ज़ेर नज़र किताब हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर रायपुर रहमतुल्लाह के मलफूज़ात के बारे में है और इसके मौलफ़ हैं हज़रत मौलाना अनवरी, हज़रत मौलाना मोहम्मद अनवरी लालपुरी रहमतुल्लाह अलैह। पेश लफ्ज़ में लिखते हैं हमारे शेख मौलाना शाह अब्दुल क़ादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह इस दौर के बड़े मुसलह और बड़े आरिफ और कबार औलिया अल्लाह में से थे। हक ताला ने मकबूलियत भी वो अता फरमाई के बायद शायद एक हल्के कसीर ने आपकी सोहबत बाबरकत से फैज़ उठाया और तरबियत बातनी हासिल की। जिन लोगों ने आपके दस्ते मुबारक पर तवज्जो की उनका शुमार तो भी मुश्किल है। बिला मुबालगा कहा जा सकता है कि आपके मुंतसबीन की तादाद लाखों से मुतजावज़ है। इस किताब में आप हज़रत आली पातशाह के खलीफ़ा आज़म हज़रत मौलाना मोहम्मद अनवरी के जमा करदा मलफूज़ात का मुतालआ फरमाएंगे। मौलाना मौसूफ़ को हमारे हज़रत अक़दस रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा इख्तिसास हासिल था और हज़रत की मजलिस में इल्मी मसाइल की अक्सर इन्हीं से मराजत की जाती थी। मौलाना मोहम्मद अनवरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तहरीर में जो अहकर के नाम है फरमाते हैं, ये हज़रत की शफकत है कि हज़रत रायकोट से बुलाकर बैत फरमाया लिया और थोड़े ही अरसे के बाद इजाज़त मरहमत फरमाई और बार बार इसरार फरमाते थे कि दू बैत कर लिया कर। मैंने अर्ज़ किया कि शर्म आती है, फरमाया मैं लोगों को लिख दिया करूँगा कि तेरी तरफ मतवज्जो हूँ। फिर हर सफ़र में यही फरमाते, जब मुल्क बदल गया तो बहुत बार फरमाया और खतूत भी भेजते रहे।